हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ एंड मेकअप वंस अगेन विथ योर सनी। तो आज तो आपको टाइटल देखे पता चल ही गया होगा, टूडेज वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल टू यू, बिकॉज आज जो मेरे पास है वो है बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट्स। समर हो या ह्यूमिड हो, मनसून या विंटर, जो भी सीजन हो, वी नीड सनस्क्रीन। जेंट्स, लेडीज़, बच्चे हो, चाहे जो भी आपका एज हो, सनस्क्रीन इज़ मस्ट फॉर एवरी वन। और हर किसी का स्किन टाइप डिफरेंट होती है, कोई ऑयली होती है, ऑयली कम्बिनेशन, नॉर्मल, ड्राई, ड्राई, मैच्योर, बहुत सारे स्किन टाइप्स होती है। तो बहुत सारे स्किन टाइप्स के हिसाब से बहुत सारे अफोर्डेबल एंड बेस्ट सनस्क्रीन्स हमारे मार्केट में है, सिर्फ हमें वो पता नहीं होता कि हमारे स्किन के हिसाब से हम कौन सा वाला सनस्क्रीन को चूज़ करें। तो इसके लिए मेरे पास जो है बेस्ट एंड अफोर्डेबल सनस्क्रीन्स इन इंडिया मार्केट, वो डिफरेंट स्किन के ऊपर है, स्किन टाइप्स के ऊपर है। तो मैं आज वही आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। उससे पहले आप थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो डियर, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं जो जो मेरे पास प्रोडक्ट्स है उसके बारे में इन डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी, और उसका थोड़ा सा आपको डेमो भी दिखा दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट सनस्क्रीन, इट्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल, वेरी अफोर्डेबल एंड ऑल्सो वेरी ट्रैवल फ्रेंडली। और मैं इसका बहुत सारा साइजेस मिल जाएगी, दिस इज़ द ट्रैवल फ्रेंडली साइज, मिनी साइज। इसका क्वांटिटी है डियर 18 ग्राम्स एंड प्राइस है 99। ये मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए ली थी, और इससे पहले मैं इसका बिग वाला जो जार आती है, ग्लास जार में आती है 50 ग्राम्स की मे बी, और उसका प्राइस अराउंड 300 या बिलो 300 होगा, एग्जैक्टली आई कैन से राइट नाउ, बट आई हैव यूज दैट वन मे बी 2 to 3 times। बहुत अच्छा सनस्क्रीन है फॉर नॉर्मल ऑयली कम्बिनेशन एंड ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी वो अच्छा है। हाँ, ड्राई स्किन है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ओवर ड्राई स्किन है तो उसमें ये वाला सनस्क्रीन नहीं जाएगा डियर। ये थोड़ा सा स्किन को लिटिल बिट मैटिफाई करती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हाइड्रेशन तो डेफिनेटली रहती है, बट उतना ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन नहीं देती है स्किन को, जो ये मैच्योर और ओवर ड्राई स्किन के जो होते हैं उनके लिए दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो आप अगर इसे लगाना चाहते हो, आपकी स्किन अगर बहुत ड्राई है, तो इसके अंडरनीथ दिस प्रोडक्ट यू हैव टू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको, दिस फॉर स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रीम, एंड SPF 25 है, PA++। और ये जो क्लेम करती है लाइक लाइटेंस, व्हाइटेंस, ब्राइटेंस, एक्चुअली डियर आई डोंट बिलीव ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो कोई भी सनस्क्रीन हो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्रीम आपको कम्प्लेक्शन को एकदम 0 to 10 तक नहीं दे पाएंगी, कोई भी आपको फेयर नहीं कर पाएगा। दिस इज़ अ बिग डिस्क्लेमर कि आप उसके हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट परचेस मत कीजिएगा। हाँ, डेफिनेटली सनस्क्रीन लगाने से आपका जो कम्प्लेक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें टैन नहीं आएगा, पिगमेंटेशन नहीं आएगी, और आप अगर अच्छे खासे कोई ब्रांड के स्किन केयर मेंटेन कर रहे हो तो डैमेज नहीं होगी, रिंकल्स नहीं आएगी, आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि सन रे बहुत हार्मफुल होती है वो, एंड बहुत यूजफुल होती है टू प्रिवेंट योर रिंकल्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन, टैनिंग, ये सब के लिए। इसलिए सनस्क्रीन हम उसलिए यूज़ करते हैं कि आपका जो कम्प्लेक्शन है वो रहे हमेशा आपके साथ, उसको डैमेज नहीं होने देना चाहिए। लेकिन कोई फेयरनेस एज सच मुझे इस वाले क्रीम से नहीं मिली है, बट डेफिनेटली ये एक हाइड्रेशन देती है, गुड प्रोटेक्शन, और ये अच्छे खासे मेकअप बेस का भी काम करता है। आपका स्किन अगर बहुत ओपन पोर्स है स्किन में, बहुत ऑयल सिक्रेशन होती है इसके ऊपर, आप थोड़ा सा मैटिफाई कोई जो ब्लर आउट कर देती है पोर्स को, वैसा वाला प्राइमर लगा के आप लॉन्ग लास्टिंग एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो इसका जो क्लेम्स लाइट एंड व्हाइट एंड ब्राइट एंड का, आई डोंट एग्री विद दिस थिंग्स, बट डेफिनेटली ये अच्छा अफोर्डेबल एंड गुड सनस्क्रीन बेस के हिसाब से, अगर आपको इस गुड मेकअप के बेस के हिसाब से अगर कोई सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हो तो दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर यू। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्काउंट में मिल जाएगा, पर्पल से, अमेजन, नायका, हर साइट में इट्स अवेलेबल। और इसका शेल्फ लाइफ है डियर 2 years, और ये इसके बारे में लिखा हुआ, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है दिया ग्रेप एक्सट्रैक्ट, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, मिल्क एंजाइम एंड दिस इज़ फ्री रेडिकल्स, एंड इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होती है, और इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होती है। दिस इज़ वेरी सेफ फॉर स्किन, लोटस के बारे में हर कोई जानता है, इज़ वेरी सेफ़ फॉर स्किन, बट इसके
यूजेस में लिखा हुआ है कि आप अगर इसका ही डीप क्लेंजिंग जो वाइट स्किन वाइटनिंग फेशियल फोम है उसके साथ फेस वॉश करने के बाद ही यूज़ करोगे तो ये और भी इफ़ेक्टिव होगा। तो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। पहले लेना तो ये छोटा वाला प्रोडक्ट, छोटा वाला जो साइज़ है यूज़ करके देखिए, अगर आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे तो फिर इन्वेस्ट करना बड़ा वाला में। तो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम गार्नियर, ये सभी लोग जानते हैं, दिस इज़ द ओल्ड एंड ट्रस्टेड ब्रांड इन सनस्क्रीन डे क्रीम वॉट एवर यू कैन से। दिस इज़ अ वेरी गुड क्रीम, आई मीन पहले लाइट कंप्लीट आती थी विदाउट सनस्क्रीन, अब आ रही है SPF 19 PA ट्रिपल प्लस, इट्स अ बोनस पॉइंट। आई रियली लाइक दिस क्रीम स्पेशली फॉर ऑयली कम्बिनेशन, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं या डेली ऑफिस जाते हैं जिनका स्किन में ज़्यादा मेकअप यूज़ करना बोलो पसंद नहीं करते, सिर्फ ये वाला क्रीम यूज़ करके कॉम्पैक्ट एंड कंसीलर यूज़ करके दे कैन क्रिएट अ डे टाइम लुक। एंड इसमें आपका लाइट एंड स्पॉट्स इन वन वीक, इसमें विटामिन सी है और लेमन है, इस डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और फेयरनेस सीरम क्रीम है, इसमें सीरम भी है क्रीम भी है। तो आपको सिर्फ टोनिंग के बाद वॉशिंग योर फेस देन टोनिंग एंड देन यूज़ दिस क्रीम, आप सीरम स्किप कर सकते हो। बट आई डोंट एग्री विद दैट थिंग बिकॉज सीरम का जो काम है मे बी ये क्रीम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्रीम थोड़ा सा ड्राई टाइप का है, आई मीन थोड़ा सा मैटिफाई कर देती है स्किन को, तो इसलिए मैं इसे रिकमेंड करूँगी नॉर्मल टू ऑयली ऑयली कम्बिनेशन। और एक्ने प्रोन स्किन है, आप अगर टीनेज हो टीनेजर के लिए इस हाईली रिकमेंडेड, बट मैच्योर स्किन में मैं इसे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। स्पेशली आप अगर इसे लगाना चाहते हो तो इसके साथ आपको एक अच्छे वाले सीरम या कुछ मॉइस्चराइज़र यूज़ करना मैंडेटरी है, लेकिन नहीं तो आपके स्किन बहुत स्ट्रेची हो जाएगा। आप अगर इसके ऊपर कोई भी कॉम्पैक्ट या फाउंडेशन लगाने के लिए जाओगे तो वो पैची हो जाएगी। तो इसमें जो ये शेड कार्ड दिया होता है डियर बहुत पहले से कि आपका स्किन टोन ऐसा रहेगा फिर फेयर होके ऐसा हो जाएगा, सो दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। मैं इसमें कोई फेयरनेस तो नहीं देखी हूँ, बट ये इंस्टेंट लगाने के साथ साथ आपको एक इवन टोन लुक देती है। और आप इसके ऊपर फाउंडेशन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, बीबी क्रीम लगाओ कॉम्पैक्ट लगाओ, इसमें एक अच्छे खासे मेकअप लुक यू कैन क्रिएट डे टाइम मेकअप लुक। तो ये बहुत अच्छा है, रिड्यूस डार्क स्पॉट्स, गिव फेयर स्किन इन वन वीक, इंस्टेंटली ब्राइटन्स, ये वाला डेफिनेटली है इंस्टेंटली ब्राइटन्स योर स्किन। बट डार्क स्पॉट आई कॉन्ट से अबाउट दैट, मुझे उतना ज़्यादा डार्क स्पॉट्स नहीं भी है तो, बट फेयर स्किन तो डेफिनेटली नहीं करता है। तो आप अगर अच्छे वाले कुछ मैटिफाई सनस्क्रीन अफोर्डेबल प्राइस में खरीदना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर दिस। इसका प्राइस है 165, ये डिस्काउंट में आपको 130-140 मिल जाएगा। उसमें इसका शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स और क्वांटिटी है 45 ग्राम। और इसका मैं थोड़ा टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ, ये इसका आउटर पैकेजिंग है, दिस इज़ द जार, प्रिटी येलो पैकेजिंग विथ वाइट लीड। और इसमें भी आपको सेम सब कुछ लिखा होगा, इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है और शेल्फ लाइफ प्राइस ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप अगर इस बॉक्स को नहीं रखना चाहो तो इसमें भी आप यू कैन सी इसका जो शेल्फ लाइफ है यहाँ पे दिखाई देगा। तो डियर ये मैं आपको थोड़ा स्वच करके दिखा देती हूँ, दिस इज़ द वेरी थिक कंसिस्टेंसी वाइट कलर का क्रीम है। सी इंस्टेंटली आपको एक ब्राइटनेस देती है और इवन आउट स्किन टोन हो जाती है, टोटली मैट फिनिश। मेरे हैंड में ना कोई शाइन है ना कोई ग्रीजीनेस है, टोटली ये मैट कर दिया। आई रियली लाइक इट स्पेशली फॉर टीनेजर, टीनेजर के लिए दिस सनस्क्रीन अफोर्डेबल भी है और बिल्कुल एक इंस्टेंट मेकअप लुक देगा। तो मैंने लास्ट जो आपको दिखा था, सॉरी मेरा फर्स्ट वाला जो सनस्क्रीन है लोटस की, मैं इसका भी थोड़ा आपको डीमो दिखा देती हूँ। ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, सी हाउ मच आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट बिकॉज आई रियली लाइक इट। इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा क्रीमी टाइप का है, वाइट इन कलर। और इसका मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये बहुत ही लाइट वेट है, बट इसमें आपको कोई इंस्टेंट ब्राइटनेस नहीं मिलेगी, ये आपको देगी तो सिर्फ एक मॉइस्चराइजेशन। एंड इसको सिर्फ अच्छे से मसाज करके आपको स्किन में एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब होने में थोड़ी सी डियर टाइम लेती है, तो यू हैव टू मसाज इट। सी
इसका कोई रेस्ट्यू नहीं है, नो व्हाइट कास्ट, नथिंग, टोटली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और एक मैट फिनिश विथ हाइड्रेशन, इसमें भी कोई हैवीनेस या ग्रीसीनेस आपको फील नहीं होगी। तो ये तो हाईली रिकमेंडेड है फॉर नॉर्मल ऑयली ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन। अगर थर्ड जो है वो है ए बहुत ही ट्रस्टेड एक एंटी रिंकल डे क्रीम। इसमें आपको बोनस सनस्क्रीन मिल जाता है, ये कोई सनस्क्रीन नहीं है पर्टिकुलरली, बट इट्स अ डे क्रीम एंड इट्स अ वेरी गुड क्रीम फॉर ऑल स्किन टाइप। आप नॉर्मल हो, कम्बिनेशन हो, ड्राई, मैच्योर, जो भी स्किन के लिए हो, दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। ओनली जिनके बहुत सारे पिंपल है, बहुत हेवी ऑयली स्किन है, उसके लिए दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। उसके बारे में मैं बाद में आती हूँ। तो दिस इज़ फ्रॉम द पॉन्ड्स एंड एज मिरेकल रिंकल करेक्टर डे क्रीम, SPF 18 PA डबल प्लस है ये, और इसका क्वांटिटी है 50 grams, और इसका शेल्फ लाइफ है डियर 2 years, या सॉरी 3 years, 2019 से 2022। इसका प्राइस है 669। ये थोड़ा सा प्राइसी है, बट ये आपको ये वाला प्राइस पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा नाइका में फ्लैट 30% या 20% सेल, या अमेजन में ये आपको 500 बिलो 500 में हमेशा मिल जाती है। तो दिस इज़ अ बिग जार, बहुत अच्छा क्वांटिटी इसमें मिलता है, और ये जार आपको 450 या 500 में अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छे से आपको 2 to 3 months अच्छे से चला जाएगा। वो वन टाइम दिन में यूज़ करोगे, और आप अगर वन टाइम इसको दिन में यूज़ करेंगे तो ये आपको अच्छे से 2 to 2.5 months अच्छे से लास्ट करेगी। और इसमें भी ये वाला जार में भी आपको लिखा हुआ होगा, तो आप अगर ये वाला आउटर कर्टन फेंक भी दो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे इसका शेल्फ लाइफ, प्राइस, क्वांटिटी सब कुछ देख सकते हो। मुझे इसका जार का जो पैकेजिंग है बहुत क्लासी लगती है, बहुत ब्यूटीफुल है। हर किसी पॉन्ड्स के क्रीम में ऐसा ही होती है जार का, सिर्फ नाम अलग अलग होती है। इसका रेड जो कैप है उसके साथ लाइट पिंक वाला हेवी ग्लास बॉटल है, बट दिस इज़ नॉट ट्रैवल फ्रेंडली डियर, इट इज़ वेरी हेवी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप ट्रैवल के टाइम पे ये कैरी करना चाहते हो तो हैव टू कैरी दिस आउटर कार्टन, दिस बॉक्स, दैट विल बी सेफ। तो इसमें लिखा हुआ है रेटिनल है इसमें एंड सी कम्प्लेक्स, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है फॉर एंटी रिंकल। मैं इसे पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ, दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव परचेस्ड। तो पहले मैं यूज़ करती थी इसका नाइट क्रीम, डे क्रीम ये मैंने सेकेंड टाइम परचेज़ किया। इसका पहले मैं नाइट टाइम इसकी एंटी रिंकल वाला यूज़ कर चुकी हूँ एज मिरेकल की, दैट वाज सुपर, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन के लिए। वो एक ग्लॉसी, आई मीन एक जो सिलिकॉन बेस्ड जो प्राइमर होती है वैसा वाला स्किन को एक टेक्सचर देती है, नो ओवर हेवीनेस नहीं है, ग्रीसीनेस नहीं है, और इफ़ेक्टिव है। स्किन को आप यूज़ करोगे एक फाइल तो यू कैन सी एक टाइटनेस यू कैन सी एंड ग्लॉसी एंड ग्लोइंग स्किन यू विल गेट। और ये वाला भी सेम इफेक्ट देती है डियर, ये इतना अच्छे से आपका मेकअप बेस का काम करेगा, ना ये हेवी है ना ये ग्रीसी है। आप इसे यूज़ करोगे, जस्ट गिव इट 5 to 10 minutes अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने के बाद, देन अप्लाई ये प्राइमर एंड देन गो फॉर योर बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, मूस फाउंडेशन और वट एवर वट काइंड ऑफ फाउंडेशन यू कैन यूज़। ये अच्छे से स्किन में लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, गुड प्रोटेक्शन देती है, और एंटी रिंकल के लिए दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। आप अगर मिड 20 हो या लेट 30 हो तो आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ये आपके स्किन में बहुत अच्छे से काम करेगा, डीपली पेनिट्रेट होगी। और आप जब इसे लगाओगे ना, जब स्किन में लगाते लगाते यू कैन सी एक अंदर से जो ग्लो होती है वो आ जाती है, और बहुत अच्छा क्रीम है ये, आप एक बार लगा के देखो, नेवर रिग्रेट। तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कैमरा कैच कर पा रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बट ये पिंकिश ग्लो है इसमें, बहुत ही प्रिटी। फ्रेग्रेंस भी एकदम पॉन्ड्स का जो हर क्रीम में होती है वैसा ही है। मुझे फ्रेग्रेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बट इट्स ओके, आई मीन जो फ्रेग्रेंस ज़्यादा टॉलर नहीं कर पाता है, जो सेंसिटिव नोज के होती है उसके लिए इट्स ओके, ज़्यादा हर्श वाला फ्रेग्रेंस भी नहीं है। तो ये इसका थोड़ा व्हीप्ड क्रीम का ही का टेक्स्चर है, थिकनेस नहीं है ज़्यादा, थोड़ा व्हीप्ड क्रीम जैसा होता है एग्जैक्टली इसका टेक्स्चर वैसा ही है। मैं इसे यहाँ पे यूज़ करके आपको दिखाती हूँ, अप्लाई करके सी एक लाइट पिंकिश ग्लो विथ अ सॉफ्ट
शीन देती है, बहुत अच्छे से ग्लोई एक स्किन हो जाती है। आप अगर सिर्फ इसे यूज़ करो, कंसीलर और कॉम्पैक्ट लगाओ, तो वो भी एक डे टाइम लुक देगी आपको ऑफिस जाने के टाइम पे या कॉलेज जाने के टाइम पे। दिस द वेरी गुड क्रीम, आपको यहाँ पे कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं नज़र आएगा, फिर एक पिंकिश ग्लो आएगी नज़र, तो इट्स अ वेरी गुड क्रीम, इट्स हाईली रिकमेंडेड, आप इसे ट्राई कर सकते हो। ओके, मेरा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इस फ्रॉम बायोटिक सनशील्ड बायो माइक्रो गोल्ड मैट क्रीम। इसमें है SPF 30 UVP PA डबल प्लस UVA। इट्स अल्ट्रा सूदिंग मैट लुक ऑयल कंट्रोल, इज फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, बट अ बिग डिस्क्लेमर हियर, इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर ऑयली स्किन। ऑयली स्किन वाले मैट लुक और इसका ऑयली स्किन वाले जो दिखा हुआ है ना, इसमें जाके प्लीज़ 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 मत खरीदिएगा दिस वन, बिकॉज मैंने सिर्फ यही देख के इसको परचेस किया और मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है, स्पेशली समर में और मानसून में ह्यूमिड में बहुत ही ग्रीजी हो जाती है, मेरी टी जोन बहुत ही ऑयली हो जाती है, यू नो कि मेरे बहुत ओपन पोर्स है, तो इसलिए मैंने सोचा ये मैट वाला लुक देगा तो आई हैव टू ट्राई दिस, बट बहुत मैं रिग्रेट कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ अ परफेक्ट सनस्क्रीन फॉर ओवर ड्राई टू वेरी मैच्योर स्किन वाले जो होते हैं उसके लिए दिस इज़ द परफेक्ट प्रोडक्ट। बट आप अगर कोई आपका अगर थोड़ा सा भी ऑयलीनेस है स्किन में, वो कम्बिनेशन हो तो ऑयली हो और एक्ने प्रोन, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, आप बिल्कुल भी इसे यूज़ मत कीजिएगा। लेकिन ड्राई स्किन वाले के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन। मैं इसका थोड़ा टेक्स्चर दिखा देती हूँ आपको पहले, इट्स वेरी वेरी ग्रीजी एंड थिक, ये बहुत ही थिक है, ब्लेंड होने में बहुत टाइम लेती है, वाइट कास्ट थोड़ा सा पहले रहता है, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद बहुत ऑयली वाला एक शीन दे देती है स्किन में, पैची हो जाती है कुछ देर के बाद। आप अगर इसके ऊपर प्राइमर लगा के भी फाउंडेशन लगाओ ना, तो वो भी अच्छे से नहीं आएगा डियर। ये देखिए कितना एक थिक एक वाइट लेयर, ये एब्जॉर्ब होने में 10-15 मिनट्स लगेगा, फिर उसके ऊपर आप कुछ लगाओ तो थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाएगा स्किन में। तो इसके ऊपर मैं कभी भी कोई फाउंडेशन लगाने की रिकमेंड नहीं करूँगी। आप घर पे हो तो इसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगा के काम कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, आपका अगर बहुत ड्राई स्किन है तो, अदरवाइज जस्ट मुझे ये वाला सनस्क्रीन उतना अच्छा नहीं लगा फॉर एवरीडे वेयर, जो स्कूल कॉलेज जाते ही, तो आप घर पे रहते हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट इफ़ योर स्किन इज़ वेरी ड्राई। तो इसका बारे में मैं थोड़ा बता दूँ, इसका प्राइस है 295 और इसका क्वांटिटी है 100 ml, दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल और ये हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा purple.com या नाइका में या अमेजोन में। बिलो सब हो गया है, 5-10 मिनट्स हो गया है इसलिए, बट फिर भी एक स्टिकीनेस जो मेरा रेस्ट ऑफ द मेरे जो और जो आपके साथ सनस्क्रीन मैंने शेयर किया उसमें कुछ ग्रीजीनेस या स्टिकीनेस कोई कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई किया, बट इसमें आई कैन फील थोड़ा सा स्टिकीनेस है। तो ये अगर आपको परचेस करना है तो मेक श्योर आपकी स्किन बहुत ड्राई होना चाहिए और आप इसके ऊपर कभी भी कोई फाउंडेशन मत यूज़ कीजिएगा। और मेरा लास्ट जो प्रोडक्ट है वो एक सनस्क्रीन भी नहीं है, वो डे क्रीम भी नहीं है, बट यू कैन यूज़ इट एज योर सनस्क्रीन, एज योर डे क्रीम एंड एज ए टिंटेड मॉइस्चराइजर एज योर फाउंडेशन। दिस इज़ अ मिरेकल प्रोडक्ट, हर कोई टीनेज से लेके स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स से लेके हमारे जैसे हाउसवाइफ है, अगर आपको डे टाइम पार्टी लुक क्रिएट करना चाहते हो तो सभी के लिए दिस इज़ अ मैजिक प्रोडक्ट। इज़ फ्रॉम द पॉन्ड्स बीबी क्रीम, आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम लास्ट 6 years, मे बी जब से मे बी ये वाला बीबी क्रीम लॉन्च हुई है, आई हैव ट्राइड सो मेनी ब्रांड्स, कलरबाज से लेके मिलानी और गार्नियर फेयर एंड लवली, आई हैव ट्राइड ऑल द बीबी क्रीम्स ब्रांड्स, बट हमेशा मैं इस पर वापस आती हूँ बिकॉज दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट। इसका अभी 2 shades भी अवेलेबल हो चुकी है, पहले सिर्फ 1 shade में आती थी, 01 जो ओरिजिनल फॉर लिटिल बिट फेयर टू मीडियम स्किन वाले के लिए, अभी वो लॉन्च हुई है 02 shade, वो थोड़ा मीडियम टू डस्क एंड डीपर जो शेड है कम्प्लेक्शन वाले उसके लिए। तो डेफिनेटली दिस प्रोडक्ट इज़ मिराकुलस, आप में से शायद 90% इस प्रोडक्ट की यूज़ कर चुके हो, एंड हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फॉर एवरीवन। ये सब स्किन में जाती है, हाँ सिर्फ बहुत अगर आपके ड्राई स्किन हो तो यू हैव टू यूज़ अ गुड हाइड्रेटिंग प्राइमर और एक मॉइस्चराइजर अंडरनीथ दिस प्रोडक्ट। तो इसके भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका टेक्स्चर एक व्हीट क्रीम के जैसा है, ये थिक भी नहीं है, रनी भी नहीं है, एक परफेक्ट सा टेक्स्चर है, बहुत लाइट वेट है, यू कैन ब्लेंड इट विथ योर फिंगर्स एज वेल एज योर ब्यूटी ब्लेंडर, कबुकी ब्रश, व्हाटएवर यू हैव, बट आई विल रिकमेंड यू बीबी क्रीम अगर यूज़ करना हो तो डियर
फिंगर्स यूज़ करो, अच्छा कवरेज मिलती है और अच्छा डीप आई मीन पोर्स में अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाती है। ब्यूटी ब्लेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाती है तो बीबी क्रीम का ज़्यादा कवरेज आपको नहीं मिलेगी। आप अगर नॉर्मल ऐसे सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हो देन गो फॉर योर ब्यूटी ब्लेंडर। अगर कवरेज या फाउंडेशन वाला लुक चाहते हो तो देन यूज़ योर फिंगर्स डियर, सी हाउ कवर्ड यू माई स्किन कलर। आई मीन इट्स अ वेरी गुड बीबी क्रीम, टोटल मैट कर देती है स्किन को, अच्छा प्रोटेक्शन देती है सनस्क्रीन की, डे क्रीम के हिसाब से भी काम करती है क्योंकि एक लाइट मॉइस्चराइज़र रहती है फॉर ऑयली कम्बिनेशन स्किन। और इसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगाओ, आप कंसीलर ब्लेंड करो, वट एवर यू कैन डू, इट्स अ वेरी गुड मेकअप लुक आपको देगा। तो इसका प्राइस मैं आपको थोड़ा बताऊँ, बहुत ये थ्री साइजेस में अवेलेबल है। ये जो है ये 18 ग्राम्स का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 145 और ये भी आपको 120-130 ऐसा में मिल जाएगा नाइका या purple.com या अमेजोन में। और इसमें इंस्टेंट स्पॉट कवरेज प्लस नेचुरल ग्लो, आई डू एग्री विद दैट। और इसमें SPF 30 PA डबल प्लस है तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है कि समर या मनसून में हम ज़्यादा फाउंडेशन नहीं यूज़ कर पाते हैं तो इसलिए दिस इज़ अ मिरेकल प्रोडक्ट फॉर डे टाइम एज वेल एज नाइट टाइम मेकअप लुक भी आप इसके साथ क्रिएट कर सकते हो। तो ये थर्ड ईयर मेरा मोस्ट अफोर्डेबल एंड डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए जो सनस्क्रीन मैं रिकमेंड करना चाहती हूँ वो वाला सनस्क्रीन। ओके डियर, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा और आप ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।